गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक से पाठ पंद्रह के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नौकर और जिसके लेखक है अनुबंधोपाध्याय। हमने इसके जो एक भाग को पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी है वो अपने आश्रम में छोटे छोटे काम करने से भी हिचकिचाते नहीं थे। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्तन साफ करने का काम, बिस्तर उठाने का काम खुद किया करते थे। यहाँ तक कि गेहूँ बीनने का भी उन्हें बहुत शौक था। और वह जो आश्रमवासी थे, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन्हें गेहूँ बीनने में वो भी सहायता करते थे। और इस काम में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके बेटे भी उनकी सहायता करते थे। और जब जो पानी भरने का काम था, आश्रम के लिए पानी भरने का काम था, वह जो कार्यकर्ता होते थे उनको साथ में करवाते थे। एक बार जब वो अस्वस्थ हो जाते, थोड़े बीमार हो जाते हैं, तो आश्रमवासी है वो ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। तो वह एक कार्यकर्ता ने अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर आश्रम का पूरा पानी भर दिया। और जो छोटे छोटे टब थे, जितने भी पानी आ सकता था, जितना भी बाल्टी टब और छोटे छोटे बर्तन में, उतना सारा भर के रख दिया। गांधी जी को यह बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनको मन में थोड़ा सा ऐसे ठेस भी पहुंची कि उन्होंने मेरे काम को कैसे कर दिया। तो वो एक जो बच्चे का जो नहाने का टब है वो उठा के ले जाते हैं और कुएं से उसमें पानी भरकर टब है वो अपने सिर पर उठाकर आश्रम ले आते हैं। बेचारे जो कार्यकर्ता होते हैं उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि मैंने इस प्रकार क्यों किया, जबकि उसका उद्देश्य क्या था कि गांधी जी थोड़े से अस्वस्थ हैं और उनके उनसे अब इतना पानी भरेंगे तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। उन्होंने इसलिए क्या था उनके भले के लिए, लेकिन गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आज हम अपने वसंत का दूसरा भाग चैप्टर का, वसंत के पंद्रह पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पेज नंबर 108 पे सभी बच्चे हैं वो निकाल लीजिए। शिवम, आवाज़ सुनाई दे रही क्या बेटा मेरी? शिवम, यस मैम। हाँ, बुक निकाल लेना बेटा आपने। शिवम अनिरुद्ध, यस मैम। हाँ, अब पढ़ते हैं अपन 108 पेज पे। देखिए, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इनके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में से वे खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फॉर्म लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। वह लेखक जो बंधु उपाध्याय है, हमने जो कल पढ़ा था एक घटनाक्रम से कि गांधी जी अपने आश्रम वासियों को पानी भरने के कार्य में भी सहायता करते थे। एक दिन जब वो अस्वस्थ थे तो आश्रम वासियों ने सोचा कि पानी भरेंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, इसलिए वह पानी भरकर रख देते हैं। यह बात गांधी जी को पसंद नहीं आती है और वह एक जो बच्चों का टब होता है उसको भरकर लेके आते हैं और आश्रम में रखते हैं। तब उनका जो कार्यकर्ता है वह उसे बहुत पछतावा होता है। ये काम गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी जी का मानना था
कि जब तक मनुष्य का शरीर है एकदम से लाचार नहीं हो जाए, यानी कोई भी काम है उसे बिल्कुल भी ना हो तब तक उसे काम करना चाहिए। और इसलिए उनका शरीर था वो इतना लाचार नहीं था कि वो पानी नहीं ला सकते थे, इसलिए जब वो कार्यकर्ता पानी ले आते हैं तो यह बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो और उन्होंने कहा कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण वह अपने हिस्से का शारीरिक श्रम ना करना पड़े। वो कह रहे थे कि मैं महात्मा हूँ या फिर कोई बूढ़ा हूँ, इस कारण मुझे अपना जो शारीरिक श्रम, जो दैनिक मेरा जो मेरी दैनिक शारीरिक श्रम है, यानी जो रोज रोज का जो मैं श्रम करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, वह मुझे करनी चाहिए। वह एकदम थोड़ा सा अस्वस्थ होने पर वह मुझे छोड़नी चाहिए। इस कारण उनको कार्यकर्ता द्वारा भरा गया पानी है, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि वह पानी लाके अपने शारीरिक श्रम करना चाहते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी। वह गांधी जी थे, वो हर काम बड़ी आसानी से कर लेते थे और उनमें यह बहुत ही अद्भुत क्षमता थी और काम करने की शक्ति भी थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। थकान का नाम कैसे नहीं जानते थे कि कोई इंसान होता है वह ज़्यादा काम कर ले, वैसे कहते हैं ना मैं थक गया, वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। एक बार जब दक्षिण अफ्रीका में जब बोर युद्ध हुआ था उसके दौरान जो उस युद्ध में जो घायल हुए सैनिकों को महात्मा गांधी स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक धोया करते थे। यानी जो घायल हुए थे युद्ध में सैनिक, उनको 25-25 मील तक वो स्ट्रेचर पर लादकर ले जाते थे और मीलों पैदल चलते थे। यानी उन्हें पैदल चलने का शौक था। वह इससे अपना जो सारे दिन की जो कैलोरी थी, जो वसा थी, जो उनके शरीर में इकट्ठा हो गई थी, उसको वो खर्च करते थे। तो वो मीलों पैदल चलते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जब वह टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब उन पास के शहर में कोई काम न होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो रहते थे तो पास के में शहर में उनके लिए कोई काम नहीं था। वो काम नहीं होने के कारण वो शारीरिक श्रम नहीं कर पाते थे। इस कारण वो कितने मील तक चलते थे, 42 मील तक वो पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। इसके लिए वे घर से बना हुआ कुछ नाश्ता लेकर कितने बजे, सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते थे वापस फार्म पर लौट आते, फिर शहर में जाते और वहाँ पर खरीदारी करते। यानी जो घर की आवश्यकता होती है वह उसकी खरीदारी करते और शाम होते होते वापस वो फॉर्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उनके जो साथ रहने वाले थे, जो साथी थे, वो भी इनकी इस बातों से बहुत खुश होते थे, उनके शारीरिक श्रम को देखकर बहुत खुश होते थे और वह उनका अनुकरण करते थे। अनुकरण करना यानी हम किसी को देखकर प्रेरित होते हैं और जो वो काम करता है उस काम को हम भी करें, उस काम को हम भी करते हैं, उसका होता है किसी को देखकर अनुकरण करना, यानी सीखना कि जैसे वो कर रहा है, एक अच्छी आदत है तो हमें भी उसे अपनाना चाहिए। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियों के लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। इसी हमें उदाहरण देख कर के महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में, उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई उनको हमें इस पाठ में हम उन घटनाओं का जिक्र करके वो हमें महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं बंदोपाध्याय। तो इसी श्रृंखला में महात्मा गांधी का एक और उदाहरण देते हुए एक घटना का और जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि एक बार किसी तालाब था, कोई तालाब था उसमें भराई का काम चल रहा था, यानी
उसको भर रहे थे, तो उसमें गांधी जी के जो साथी थे वो लगे हुए थे। और एक एक सुबह क्या हुआ, वो सारे काम खत्म करके वे लोग जो फावड़े थे, कुदाल थी और जो टोकरियां थी, जब टोकरियों के लिए जब वापस लौटे कि उनका काम खत्म हो गया, तो वो अपनी टोकरियां लेने के लिए, फावड़े लेने के लिए और कुदाल लेने के लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनको उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि रख रखे हैं। तो सब लोगों, एक साथी ने उनसे पूछा कि हम लोगों के लिए बापू आपने इतना कष्ट क्यों किया, हम ये खुद ही कर लेते। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि क्यों मैं क्यों नहीं करता, मैं जानता हूँ कि आप लोग काम में लग रहे हैं और थके मांदे लौटोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया और तुम्हारा नाश्ता करने के लिए मेरे पास नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास समय भी था, इसलिए मैंने आपका नाश्ता है वो तैयार कर दिया। इस घटना से हमें क्या पता चलता है कि गांधी जी दूसरों की सहायता करने में भी, कि जो थके श्रमिक हैं, इंसान है या कार्यकर्ता हैं, उनमें उनकी सहायता करने में भी आगे रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे, यानी जो जहाँ जहाँ दूसरे विदेश फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर भी अपने जो भारतवासी हैं वो लोग रहते हैं, तो एक बार दक्षिण अफ्रीका में जो रहने वाले जो भारतवासी थे, वो भारतीयों के रहने वाले थे, उनके जो समस्या थी उन्होंने गांधी जी के सामने रखी। और गांधी जी हैं वो भारतीयों के जाने माने नेता थे, तो वो उन्होंने जो भारतीयों की जो मांग थी वो ब्रिटिश सरकार के उन्होंने सामने रखी कि इस प्रकार से भारतीयों को ये सुविधाएं चाहिए। तो एक बार इस ये जो मांगे हैं वो रखने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। वहाँ जो के रहने वाले जो भारतीय छात्र थे उन्होंने एक शाकाहारी भोजन में उनको आमंत्रित किया कि आप है वो हमारे यहाँ भोजन करेंगे। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छछरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। एक बार ये घटना से हमें क्या पता चलता है कि गांधी जी है अपना सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे और वे किसी की सहायता करने में भी नहीं चूकते थे, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे भारत और कोई दूसरा हो, वह स्वयं सहायता करने में आगे रहते थे। तो जब एक बार भारतीय जो छात्र है उन्हें भोजन के लिए क्या करते हैं, निमंत्रित करते हैं, और जो जो छात्र थे वो उनके लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय करते हैं। तो तीसरे पहर होता है, उसके 2 बजे वो देखते हैं कि एक दुबला पतला छचरा आदमी आकर है वो भोजन पकाने के काम में शामिल हो गया है। वह उसमें वहाँ आकर के वह जो दुबला पतला आदमी है वह तस्तरियाँ धो रहा है, वहाँ की सब्जी साफ कर रहा है और भी जो अन्य छुटपुट काम थे उसमें भी वह मदद करने में लगा है। उन छात्रों को पता नहीं था कि यह आदमी कौन है। तो बाद में छात्रों का जो नेता है वो वहाँ आता है तो वह क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम की जो भोजन में निमंत्रित किए गए थे उनके वो सम्मानित अतिथि महात्मा गांधी थे। तो हमें इस घटना से क्या पता चलता है कि महात्मा गांधी थे वो स्वयं को कितना साधारण आदमी मानते थे और काम करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे,
लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, यानी दूसरों से जब वो काम कराते थे उसमें वो बहुत ही सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। लेकिन उनका कोई काम है वो दूसरा करे, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते हैं उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। एक बार वो क्या बता रहे हैं, दूसरी घटना का जिक्र करते हैं कि गांधी जी अपने काम दूसरों से कराने के मामले में बड़े सख्त थे। वो अपना काम है किसी दूसरों से नहीं कराना चाहते थे। एक बार क्या होता है, एक राजनीतिक सम्मेलन होता है तो उसमें गांधी जी जब अपने डेरे पर यानी जहाँ पर उनको रहने का स्थान था वहाँ पर आते हैं तो रात है वो बहुत हो जाती है। तो सोने से पहले वह क्या करते हैं, अपने कमरे का फर्श बुहा रहे होते हैं कि भाई रात हो गई है अब हमें यहाँ पर सोना है। तो सोने से पहले वो अपने कमरे का जो फर्श था उसको साफ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर उनको सोना था। तो उस समय रात के कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे। तो एक जब एक कार्यकर्ता था वह उसने देखा कि महात्मा गांधी है वो फर्श साफ कर रहे हैं तो वो दौड़कर आता है और गांधी के हाथ से वह बुहारी ले लेता है कि ये काम मैं आपका कर दूंगा, लेकिन वो उसको वो बुहारी है वो देते नहीं हैं और स्वयं ही उस आंगन को है सोने का जो फर्श है उसको खुद ही साफ करते हैं। ऐसे ही एक बार जब गांधी जी है वो गांव का दौरा कर रहे होते हैं, गांव का दौरा करने यानी गांव गांव जाकर देखना उसकी राजनीतिक स्थिति का जायजा लेना, तो वे गांव गांव में जा रहे थे। उस समय क्या था, रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, जब वो गांधी जी गांवों का दौरा करते थे उस समय रात को यदि वे लिखते समय यदि लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वह चंद्रमा की रोशनी से ही उसको पत्र को पूरा करते थे, वो पत्र को पूरा कर लेना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि जब वो अपना काम कर रहे हैं और काम करते थे करते लालटेन का तेल खत्म हो जाए और इस लालटेन में तेल डालने के लिए वो किसी अन्य कार्यकर्ता और सोए हुए थके मांदे सोए हुए कार्यकर्ता को जगाए, यह बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा ही जो नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी, ऐसे ही जो नोआखाली पद यात्रा थी उनकी, पद यात्रा यानी उन्होंने इसके लिए कोई भी घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर रखी थी, केवल पैदल ही वो यात्रा करे थे। उस समय भी गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रखा था, 2 आदमियों को रहने की अनुमति उन्हें प्रदान की थी। उन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। अब 2 आदमी को जिसने वहाँ पर महात्मा गांधी ने जिस रखा था उनको यह नहीं पता था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। तो वह महात्मा गांधी के पास आए और बोले कि हमें तो नहीं पता कि भाई खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं उनके पास गए, एक रसोई में जाकर बैठ गए और जैसे एक निपुण जो रसोइया होता है वो अपनी जो व्यंजन विधि को जानता है, वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने एक रसोइये की एक निपुण रसोइये की भांति उन्होंने उनको खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 साल की थी। उस समय उनकी अवस्था कितने साल की थी, 78 साल की थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद
उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उसकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी का अपने बच्चों गांधी को अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम था। गांधी जी बच्चों से भी बहुत प्रेम करते थे। अब उन्होंने जब उनके बच्चे जन्म हुए थे तो उसके 2 महीने बाद उन्होंने कभी किसी दाई को अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे के विकास के लिए, अगर बच्चे का सही विकास हो इसके लिए क्या है, माँ बाप का स्नेह होना बहुत ज़रूरी है और माँ बाप के द्वारा ही उसकी देखभाल की जाए तो बच्चा है वो अधिक बुद्धिमान होता है और अधिक जागरूक रहता है। उनका ये मानना था कि बच्चे की देखभाल है वो माँ बाप के द्वारा ही की जानी चाहिए। बच्चों को अपने घर में किसी के दाई के सहारे है वो नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के भी दो माह बाद में दाई को हटा दिया था और अपने बच्चों की खुद देखभाल करते थे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता है और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात में उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इसी प्रकार से एक घटनाओं का जिक्र करते हुए हमें अनुबंधोपाध्याय बताते हैं कि वे एक महात्मा गांधी है वो एक माँ की तरह भी बच्चों की देखभाल कर सकते थे। और जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिला पिला कर बहला सकती है, वैसे ही वह बच्चे को अच्छी तरह से खिला पिला कर बहला सकते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार वो दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटे तो दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद उन्हें जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जो उनके मित्र की पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो रही है। और उनका वो क्यों हो रही थी, क्योंकि उनका बच्चा था वह दूध पीना नहीं छोड़ रहा था और वह दूध छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्चा उनका किसी भी प्रकार दूध नहीं छोड़ रहा था और बच्चे उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। और सारी रात उसे श्रीमती पोलक को रो कर उन्हें जगाए रखता। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात में उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में लिया। फिर महात्मा गांधी जिस दिन दक्षिण अफ्रीका से जेल से छूटे उसी दिन उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम है वो अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन वो बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण करते, मीलों पैदल चलते और फिर कभी कभी रात को जब 1 बजे घर पहुंचते तो वह क्या करते, बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते और ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बच्चा है वो कभी रोता ही नहीं था और उनकी चारपाई पर रात से आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक जब माँ से बच्चे को अलग सुलाया तो अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? यस बेटा, मैं आपने मनोहर दुखते कर दी क्या? कौन बोल रहा है बेटा? हम देवी।
देवी क्या आपकी नोटबुक आई हुई है क्या? यस मैम। आप रख के गए थे क्या? यस मैम हम रख के गए थे। अच्छा बेटा, आज देख के चेक कर दूंगी मैं, ठीक है? आप यस कल ले मैम। लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। आप तैयारी कर रहे हैं ना बेटा आप अपने एग्जाम की? यस आपको मैम। पता है ना वसंत में कौन से चैप्टर आएंगे, 2 और 3 का आएगा, और जो यस मैम। हाँ यस प्रार्थना मैम। पत्र है उसमें से कोई से भी एक आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी यस करेंगे, मैम। ठीक है ना बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।